सो हेलो दोस्तों, नमस्कार आदाब, हेलो एंड सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं एकदम बढ़िया होंगे और होना भी चाहिए। दोस्तों आज हम हैं दुर्गावती हॉस्पिटल के डायलिसिस यूनिट में और यहाँ पे एक पेशेंट का डायलिसिस चल रहा है। हमारे साथ में डॉक्टर रवि सर और डॉक्टर रवि सर से हम जानेंगे कि डायलिसिस क्यों जल्दी पड़ता है और ये जो पेशेंट है इनकी क्यों डायलिसिस हो रही है। डॉक्टर सर प्लीज़ पेशेंट के बारे में थोड़ा सा बताइए। लास्ट चेकिंग तो पेशेंट आ रहा है इसमें इनिशियली पेशेंट क्रिएटिनिन 6.5.3 है, फिर कैसे है ना प्लेटलेट आल्सो लो है 1,71,000 है, इन्फेक्शन थोड़ा है, पोटेशियम ज़्यादा है पेशेंट को 6.03 है, फिर वेवालेशन अल्ट्रासाउंड में क्या सोनोग्राफी में तो पुराना में प्रोस्टामेगाली है, प्रोस्टेक्टमी कर रहे हैं, फिर ये वाला को दिक्कत तो क्रिएटिनिन बढ़िया है, इन्फेक्शन आल्सो है, काफ़ी है, स्वास्थ्य दिक्कत है। मैं एडवाइज अर्ली डायलिसिस इज वेरी नीड आफ्टर गेट पेशेंट रिकवरी होता है। धीरे धीरे मीन्स क्रिएटिनिन लो है, नॉर्मल है, फिर पेशेंट इज रिकवरी अच्छा है। सो यही प्रोटेक्शन इज इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल सेप्सिस केसेस इन किडनी पेशेंट। अर्ली क्रिएटिनिन प्राइस होते फिर पेशेंट ज़्यादा सेप्सिस में चल रहा डेथ होता, तो यही वाला अर्ली डायलिसिस करता रिकवरी ज़्यादा रेट है। ठीक है, पेशेंट का बेनिफिट ईयर हो एज अर्ली वी आर अडवाइज टू द डायलिसिस, दैट्स द पेशेंट रिकवरी परसेंटेज इज वेरी फास्ट। तो डॉक्टर साहब ये समझा रहे हैं यदि क्रिएटिनिन लेवल तत्काल में बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसको जल्दी से रिकवर करने के लिए, क्रिएटिनिन लेवल घटाने के लिए जो कि बहुत बढ़ गया था, इनका 5.5 के आसपास हो गया था, उसको घटाने के लिए डायलिसिस नीड थी। और क्योंकि दो डायलिसिस में कम हो गया है, लगभग 3.9 रह गया है जैसा कि आप रिपोर्ट में देख पा रहे होंगे, तो एक और नीड है, उसके बाद जब और नीचे आ जाएगा तो मेडिसिन से मैनेज हो सकता है। ऐसा आफ्टर दैट वी कैन मैनेज बाय मेडिसिन, फोकस ऑन द मशीन। सर दीपक सर प्लीज रिपीट टाइमिंग स्टार्टिंग में 2 आवर्स ओके, और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन 1800 ओके, VFR 300 पर आवर, अपेरिंग रेट 5000 बोनस, फीमोरल स्टार्टिंग पीरियड में फीमोरल से होता है ओके, स्टार्टिंग पीरियड में फीमोरल वेन से होता है, फीमोरल वेन से इनलेट और क्या बोलते कैंडुला ओके। ये आर्टिफिशियल किडनी है डायलेजर ओके, ये अपेरिंग पंप है ओके, और ये ब्लड फ्लो पंप है ओके। तो ये डायलिसिस की मतलब मेन फोकस मशीन है क्योंकि आर्टिफिशियल किडनी है ये, जिससे हमारा ब्लड जो है रिफाइन होता है, साफ होता है। और इसका फर्स्ट टाइम पे टाइमिंग 2 घंटे होता है, लेकिन यदि मल्टी टाइम इसको नीड पड़ता है तो टाइमिंग थोड़ा थोड़ा रीच होते जाएगा, बढ़ते जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ड्राई वेट और वेट के हिसाब से निकलता है ओके, वेट के हिसाब से निकलता है। ये जो अभी आप घूमता हुआ देख रहे हैं ये जो है कि ब्लड फ्लो को वो कंटिन्यू रखने के लिए होता है, ताकि वो कम हो ज़्यादा हो तो इससे हम मैनेज कर सकते हैं ओके। ये हिपेरिन पंप है जिससे हम हिपेरिन दे रहे हैं ताकि जो कोगुलेशन होता है वो बना रहे, कहीं ऐसा ना हो कि इसमें पाइप में खून जम जाए, इसको रोकने के लिए हिपेरिनट है ओके, एंटीकोगुलेंट है। आप ठीक हो बाबा? इनके ऊपर फोकस करिए तो ठीक हो ना, कोई तकलीफ तो है नहीं? नहीं ना, थोड़ा सा उस पर फोकस करिए तो इधर से आकर के ये ऊपर में कैसे है। अभी एक पेशेंट अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इसका हार्ट रेट 73 है, SpO2 98 है, और BP भी जो है कि नॉर्मल 129/66 है, यानी कि पेशेंट एकदम बढ़िया है। थर्ड टाइम का जो डायलिसिस है वो ख़त्म होने वाला है, हमारे जो पेशेंट हैं वो रिकवर्ड हो रहे हैं, और जो 5.5 के आसपास था वो घट के अभी 2-3 के आसपास रह गया है क्रिएटिनिन लेवल, यानी कि डायलिसिस सक्सेसफुल है, इसके बाद हम दवा से मैनेज कर सकते हैं। ये हमारे रवि सर हैं, एक बार हाय बोल दीजिएगा हमारे। हाय हाय। और इनके माध्यम से हम बाकी चीज़ें जो डायलिसिस से संबंधित है या फिर बाकी अदर पेशेंट से संबंधित है हम आपको पहुंचाएंगे। सो थैंक यू आपके कीमती समय के लिए, फॉलो करते रहिए दुर्गावती हॉस्पिटल को। थैंक यू।